हेलो गाइस, मैं मल्लिका श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्या करती है। उसके बाद हम सी लैंग्वेज की तरफ चलेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चार एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला ये कि कैसे ये डेटा को स्टोर करता है, दूसरा कैसे उन डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तीसरा कैसे इनपुट और आउटपुट को गेन करता है, एंड द लास्ट वन इज कैसे ये हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को हमें कंट्रोल करने देता है। अब हम इन पार्ट्स को समझने के लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सब शुरुआत करते हैं सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसका यही रीज़न है कि किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें सी की ही ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जावा हो, सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो, पर्ल हो, तो उन सब में कहीं ना कहीं सी का ही यूज़ किया गया है। तो क्यों ना हम सी से ही शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सी होती क्या है। तो सी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे सबसे पहले डेनिस ऋषि ने बनाया था AT&T बेल लेबोरेटरीज में 1972 में USA में। और AT&T का पूरा नाम है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। अब इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं कि ये एक तरह की मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ना ही ये 0-1 के फॉर्मेट में होती है और ना ही ये पूरी की पूरी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इसकी जो लाइब्रेरी होती है सी लैंग्वेज की, वो बहुत ही रिच होती है। मतलब इसके अंदर कई सारे हेडर फाइल्स होते हैं, हर तरह के हेडर फाइल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। देन इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो पहली बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसका सबसे बड़ा यूज़ होता है, क्योंकि सी को मेनली बनाया ही गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रिप्टिंग के लिए। और जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट होते हैं जो उनकी स्पीड होती है वो असेंबली लैंग्वेज के इक्विवेलेंट होती है। सी लैंग्वेज सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे यूनिक्स कर्नल में हम सी लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सी का ही यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कई बड़े भाग को सी में ही डेवलप किया गया है। उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेजेस में, मतलब सी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई सारे लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस करता है उनके डेवलपमेंट में। जैसे सी प्लस प्लस जो है वो सी ही है बट विद क्लासेस, और सारे लैंग्वेजेस जैसे सी शार्प, डी, जावा, लिम्बो, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं एटसेट्रा, इन सब में भी कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज का ही यूज़ करके इन्हें बनाया गया है। तीसरा है कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म्स, मतलब सी एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ बहुत तेज़ी से करता है और हमारे कंप्यूटेशन को फास्टर और सरल बनाता है, जिसकी वजह से सी का यूज़ हम हायर डिग्री के कैलकुलेशंस में करते हैं, जैसे मैटलैब, मैथमेटिका एट्सेट्रा। उसके बाद हम इनका यूज़ एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर भी करते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और जो इनका एक्सेसिंग होता है मशीन लेवल हार्डवेयर API के अंदर वो डायरेक्ट एक्सेसिंग होती है, इसकी वजह से हम एम्बेडेड सिस्टम्स का भी यूज़ करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में भी सी लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। उसके बाद बात आती है ग्राफिक्स गेम्स की, मतलब कि जो सी लैंग्वेज का यूज़ हम बहुत सारे ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने में और गेमिंग एप्लीकेशंस को बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे चेस, बाउंसिंग बॉल्स एट्सेट्रा, कई सारे गेम्स सी में ही बनाए गए हैं। उसके बाद बात आती है कि किसी भी, क्योंकि सी भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम लैंग्वेज पे डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज क्या काम करती है। कम्युनिकेशन करने के काम आती है लैंग्वेज,
और अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखना होता है तो हम कैसे शुरुआत करते हैं? जैसे अगर हमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं ए टू जेड, देन उन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से हम वर्ड्स देखते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से, उन वर्ड्स की हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाते हैं एंड सेंटेंसेस की हेल्प से हम पैराग्राफ बनाते हैं। इस तरह हो गया सी लैंग्वेज, और इसी तरह सी इस तरह हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, और इसी तरह सी लैंग्वेज भी होता है। जैसे सी लैंग्वेज हमें बेसिक्स के लिए चाहिए अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। इनका यूज करके हम कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स बनाते हैं, इनका आगे स्लाइड्स में डिस्कशन है। देन उसके बाद इन कांस्टेंट्स, वेरिएबल और इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम पूरा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो सी के कैरेक्टर सेट के अंदर आता है अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल। तो अल्फाबेट, क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए का अलग अलग मीनिंग होता है, तो इसमें ए टू जेड कैपिटल अलग होते हैं और स्मॉल ए टू जेड अलग होते हैं, ये सब अल्फाबेट्स के अंदर आते हैं। देन डिजिट्स, इसमें 0 to 9 यूज होती है। उसके बाद स्पेशल सिंबल्स जो भी यहाँ दिए गए हैं वो सब आप नोट कर लेंगे, ये सारे के सारे उसमें यूज होते हैं। देन कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो जब हम अल्फाबेट्स, नंबर और स्पेशल सिंबल्स को प्रॉपर किसी फॉर्मेट में रखते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स में आता है। मतलब कि जब हम प्रॉपरली कंबाइन करते हैं अल्फाबेट्स, नंबर और स्पेशल सिंबल्स को, तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड बनता है। उसके बाद कॉन्स्टेंट ऐसी एंटिटी होती है जो कभी चेंज नहीं होती है अपने प्रोग्राम में। मतलब अगर हम कोई डिजिट डिफाइन किए हुए हैं ए इक्वल टू 5, तो उस 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। 5 की वैल्यू कभी 5, 6, 7, 8 ऐसे नहीं होगी, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही होगी। अब इस ए इक्वल टू 5 में जो ए है वो वेरिएबल है, हम ए इक्वल टू 5 डिफाइन कर सकते हैं, बी इक्वल टू 5 डिफाइन कर सकते हैं, उन 5 की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी, बट ए और बी दोनों डिफरेंट है। मतलब ए और बी, ए भी एक तरह का वेरिएबल है, उसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। ए इक्वल टू 5 लिख दिया, अब उसी 5 को हम बी में भी डाल सकते हैं, बी इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं। तो 5 जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ। जो ए एंड बी है वो क्या है, एक तरह का वेरिएबल है जो कभी भी चेंज हो सकता है। देन बात आती है कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड एक तरह के रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मतलब सी के कंपाइलर को पहले से इनका मतलब पता होता है कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का मतलब, अगर एक वर्ड दिया हुआ है मेन, तो अगर हम कहीं मेन लिखते हैं तो सी को, कंपाइलर को उसके बारे में डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं कि मेन का क्या काम है, उसे पहले से पता है कि इसका क्या काम है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मुझे और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।